ये हो गया सिमोस बैटरी। ओके तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसको निकाल के इधर साइड में फेंक देंगे और ये नया वाला को यहाँ लगाएंगे। ओके इसके बाद में चेक करेंगे बीपिंग जो है वो बीपिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता कि नहीं होता ये देखता है। तो अभी चेक कर लेता है और ये खराब वाला यहाँ निकाल के रख दिया। ओके अब देखता है क्या होता है। अब कीबोर्ड भी फिटिंग कर दिया, सारा कुछ फिटिंग हो गया। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, टोटली फिटिंग हो गया है। अब एडाप्टर लगा के हम लोग चेक करेंगे 5 टाइम बीपिंग होता कि नहीं होता है। ठीक है और ये सिमोस बैटरी तो चेंज कर दिया, हम लोग रिप्लेस कर दिया है। ओके तो इस टाइप से अगर डेल का लैपटॉप में 5 टाइम बीपिंग आने से सिमोस बैटरी को बदल के चेक कीजिए, साउंड ऑफ होना चाहिए। अभी साउंड ऑफ हो चुका है। देखिए सिमोस बैटरी बदलने के बाद में इसका डेड टाइम सही करना होगा। अभी 11:35 हो गया है और डेट है 12वां महीना और तारीख हो गया 27/2023। ओके अब सिमोस बैटरी बदल के डेट टाइम सही कर दिया। अब 5 टाइम बीपिंग जो है वो ओके हो चुका है। ठीक है तो इसी टाइप से आप लोगों को भी अपना लैपटॉप में अगर 5 टाइम बीपिंग आता है डेल लैपटॉप में तो ही सिमोस बैटरी को रिप्लेस करने से ओके हो जाएगा। ठीक है और सिमोस बैटरी का प्राइस ज़्यादा नहीं है, 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर यही अगर आप टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे तो मोटा मोटी आपका 1000 रुपये तक खर्चा आ जाएगा, क्योंकि पूरा खोलना होगा, लगाना होगा। ठीक है मेहनत भी है, इसलिए 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ओके हो चुका है और ये कर्चर काम करने में दिक्कत कर रहा है। ये कर्चर काम करने में दिक्कत कर रहा है, कीबोर्ड लगा देने से कर्चर काम करने में दिक्कत करता है। ये कर्चर मूवमेंट नहीं हो रहा है, कर्चर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये कर्चर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसको एक बार रिस्टार्ट मार के देखता है, फिर मूवमेंट होता कि नहीं होता चेक करता है। ओके तो कभी कभी क्या है, कर्चर अगर मूवमेंट नहीं होता ना तो आप एक काम कीजिएगा, रिस्टार्ट मार लीजिएगा लैपटॉप को। रिस्टार्ट मारने से कभी कभी क्या है डिटेक्ट करने चालू कर देगा। ओके अभी मैंने रिस्टार्ट कर दिया तो अभी देखते जाइए रन हो रहा है अभी विंडोज ना, कर्चर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कीबोर्ड में फॉल्ट है, कर्चर काम करने नहीं दे रहा है, कीबोर्ड में क्या फॉल्ट है, टच लॉक है क्या। ना टच तो लॉक नहीं है, टच तो यही है फंक्शन ना, इसका मतलब कीबोर्ड खोलना होगा। करेगा अब रजिस्टर मार के देखता है। अब रजिस्टर मार दिया, कीबोर्ड ओपन कर दिया। कीबोर्ड खोलने के बाद में कर्चर काम करते कि नहीं करते ये चेक करना है। दोबारा टचपैड का ये आता है, इसको कनेक्टिविटी किया ठीक है ना, ओपन करके फिर दोबारा से कनेक्टिविटी किया। अब काम करते कि नहीं होता चेक करें।
काम किया है अभी। लेकिन भाग रहा है ये तो कर्चर। फिर लटक गया। ये प्रॉब्लम है, ग्राफिक का इशू है क्या, देखता है। लटक गया फिर कर्सर, फिर काम किया, रुक रुक के काम कर रहा है। इसमें ग्राफिक भी एनवीडिया का।